फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी में क्या बदलाव होंगे अगर आप रोजाना रस्सी कूदना शुरू कर दें तो। रस्सी कूदना एक बहुत ही अंडररेटेड एक्सरसाइज है, पर पिछले कुछ सालों से इस एक्सरसाइज की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह है इससे होने वाले बेशुमार फायदे। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे होने वाले फायदों को नहीं जानते। तो अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको रस्सी कूदने से होने वाले फायदे चौंका सकते हैं। बस आपको उसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना है। तो क्या आप अपनी बॉडी का फैट घटाना चाहते हैं या फिर अपनी बॉडी में ताकत और शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? तो रस्सी कूदने से इस तरह के सभी फिटनेस गोल्स आप पा सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी इंजरी होने का खतरा कम करने के साथ ही आपको हार्ट की बीमारियों से भी बचाती है। तो अगर और फायदे जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि अगर आप रोज रस्सी कूदना शुरू कर देते हैं तो उससे आपकी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं। फायदों से पहले ये जानते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज कितनी देर करनी है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, यानी शुरुआत कर रहे हैं, तो हफ्ते में 1 से 3 टाइम ही आपको रस्सी कूदना है और 1 से 5 मिनट के लिए ही एक टाइम पर कूदना है। पर अगर आप पहले से रस्सी कूदते हैं या फिर डेली कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आप हफ्ते में 5 से 6 बार रस्सी कूद सकते हैं और एक बार में 15 मिनट या 30 मिनट या उससे ज्यादा भी कूद सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि रोजाना रस्सी कूदना यानी जंप रोप करना आपकी बॉडी में क्या काम करता है। तो रस्सी कूदना आपकी बॉडी में 11 बदलाव करता है, जिन्हें एक एक करके हम जानेंगे। पर उससे पहले फ्रेंड्स, इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्या बदलाव होते हैं आपकी बॉडी में रस्सी कूदने से? नंबर 1, आप बहुत सारी कैलोरीज बर्न करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने एक्स्ट्रा वेट को कम करना चाहते हैं या फिर अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो रस्सी कूदना इसमें आपकी बहुत मदद करता है। क्योंकि रस्सी कूदना एक कार्डियो एक्सरसाइज है, तो इसमें आपका हार्ट काफी तेजी से काम करने लगता है, जिसके लिए आपकी बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसके लिए आपकी बॉडी को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसी के रिजल्ट में आप काफी कैलोरीज बर्न कर पाते हैं कम टाइम में। नंबर 2, आपके लेग मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। रस्सी कूदने में आप बहुत बार अपने पैरों पर जोर डालकर ऊपर नीचे उछलते हैं, जिससे आपको बाकी सारे फायदे तो मिलते ही हैं, पर साथ में आपकी एक बेहतरीन लेग्स ट्रेनिंग भी हो जाती है। अलग अलग स्टडीज ने ये साफ कर दिया है कि रेगुलर रस्सी कूदने से आपके पैरों की ताकत बढ़ती है, पैरों की कंप्लीट मसल्स ट्रेन होती हैं और साथ ही आपके दौड़ने की गति भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जंप रोप आपके लेग्स की मेजर मसल्स जैसे काफ्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को अच्छे से ट्रेन कर देती है। तो जब आप रेगुलर जंप रोप करते हैं तो आपकी कंप्लीट लेग मसल्स मस्कुलर और स्ट्रांग हो जाती हैं। और अगर आप जंप रोप करते हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे स्नीकर्स के साथ इसे करना चाहिए, क्योंकि अगर सही शूज के साथ आप इसे नहीं करते तो शूज के अंदर आपके पैरों को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो सही स्नीकर्स के साथ ही इसे करना जरूरी है। नंबर 3, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। रेगुलर रस्सी कूदते रहने से कुछ टाइम बाद आपकी बोन्स यानी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जब आप रस्सी कूदते हैं तो इससे आपकी हड्डियों पर स्ट्रेस बढ़ता है, और ये स्ट्रेस आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इस स्ट्रेस से आपकी हड्डियां रिएक्ट करने के लिए और इस स्ट्रेस को अडेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, और इसी के रिजल्ट में आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है, जिससे ओवरऑल आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं, जिससे आपकी हड्डियां फ्रैक्चर भी जल्दी से नहीं होती। इसके अलावा इससे आप उम्र बढ़ने पर होने वाले घुटनों के दर्द जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियों के खतरे को भी कम से कम कर पाते हैं। आगे चलने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नंबर 4, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। रस्सी कूदना एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, जो कि एक फिट इंसान की भी सांस फुला देता है, पर इसे करना आपके टाइम का एक बेहतर इस्तेमाल है, क्योंकि आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए ये एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसके साथ ही बेहतरीन तरीके से ये आपके मस्कुलर एंड्योरेंस को भी बढ़ाता है, जिससे आप किसी भी मेहनत वाले काम को लगातार लंबे टाइम तक करने के बाद भी थकते नहीं हैं। नंबर 5, आपकी बॉडी टोन बनती है, जिससे आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देने लगते हैं। रस्सी कूदना आपकी लेग मसल्स को ट्रेन करके इन्हें अच्छी शेप तो देता ही है, पर रस्सी कूदने में आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जिससे आपके एब्स, आर्म्स और लोअर बॉडी इसमें काफी अच्छे से ट्रेन होती है, और कंप्लीट बॉडी से एक्स्ट्रा फैट खत्म होता है, और रिजल्ट में आपकी बॉडी टोन बनती है, जिससे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव आप दिखाई देने लगते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसके साथ ही ये आपके कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हेल्दी कर देती है। नंबर 6, आपका हार्ट हेल्दी बनता है। रस्सी कूदना एक
एक ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज है जिसे लंबे टाइम तक करना आपके हार्ट की हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। जंप रोप पर हुई सैकड़ों स्टडीज से ये पता चलता है कि इसे करने से आप कार्डियो वस्कुलर बीमारियों जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज के खतरे को भी कम कर पाते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के खतरे भी इससे कम हो जाते हैं और अपने मोटापे को भी आप इससे कंट्रोल कर पाते हैं। नंबर 7, आपका हाथ और ग्रिप मजबूत होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ ज्यादा दिखाई देने वाली मसल्स पर फोकस करते हैं जैसे एब्स, आर्म्स और चेस्ट, पर आपको अपने हाथों और ग्रिप पावर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने हाथों का इस्तेमाल आप अलग अलग एक्सरसाइजेज में करते हैं और रोजाना के कामों में भी आपके हाथ और हाथों की ग्रिप का इस्तेमाल होता है, तो रस्सी कूदने से आपके हाथ और हाथों की ग्रिप मजबूत होती है जिससे आपको रोजाना के बहुत सारे कामों में फायदा मिलता है। नंबर 8, आपकी इंजरी होने के चांस कम हो जाते हैं। जंप रोप में आप ऊपर नीचे कूदने के लिए अपने पैरों के तलवों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं जिससे कुछ टाइम बाद आपके पैरों के तलवे मजबूत हो जाते हैं और इससे आपको इंजरी होने के चांस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एड़ियां, पैरों के तलवे और घुटने इस एक्सरसाइज से ट्रेन होते हैं, क्योंकि इन पार्ट्स में मौजूद टेंडन्स और लिंगामेंट्स रस्सी कूदने से लगातार एक्टिवेट रहते हैं जिसकी वजह से आपके नीज यानी घुटने, एंकल्स यानी एड़ी और फीट यानी पैरों के तलवे ठोस और अंदर से मजबूत हो जाते हैं जिससे पैरों की किसी भी तरह की इंजरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 9, आपके लंग्स यानी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है और ये हेल्दी होते हैं। जब आप रस्सी कूदते रहते हैं तो कुछ समय बाद आपके लंग्स की कैपेसिटी काफी इम्प्रूव हो जाती है जिससे थका देने वाले कामों में भी आप थकते नहीं हैं और लंबे टाइम तक दौड़ना, चलते रहना या सीढ़ियां उतरते चढ़ते रहना जैसे कामों में भी आप थकते नहीं हैं। साथ ही लंग्स की बीमारियों के खतरे भी आपके काफी कम हो जाते हैं। नंबर 10, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहने से आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। रस्सी कूदने जैसी कार्डियो एक्सरसाइज में ये प्रूव हो चुका है कि अगर दिन में सिर्फ 15 मिनट भी आप रस्सी कूदते हैं तो आपके अंदर से सैडनेस खत्म होती है और हाई लेवल की डिप्रेशन को भी काफी कम टाइम में ये खत्म कर देती है। इसके अलावा डिमेंशिया जैसी मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारी को भी ये खत्म कर सकता है और सुबह में इसे करने से आप पूरे दिन हल्का और खुशी से भरा हुआ महसूस करते हैं। नंबर 11, आपकी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है। फ्रेंड्स, जब आप जंप रोप शुरुआत में करते हैं तो रस्सी बहुत सी बार आपके पैरों में उलझ जाती है जिसे आप लगातार इसे नहीं कर पाते, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कुछ ही टाइम में इसमें आपका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाता है जिससे आप लगातार इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं जिससे आप कम टाइम में ज्यादा जंप रोप करके ज्यादा बेनिफिट्स ले पाते हैं। तो अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन से फायदे पहले नहीं पता थे, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें।